बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खातून हज़रात, अब्रारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, किसी मरीज की तीमारदारी करना बहुत बड़ी नेकी है। नेकी तो है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान के समाजी रवाबित मजबूत होते हैं, और दूसरा ये कि मरीज को दिली सुकून मिलता है और वह अपने आप को अकेला नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और ही होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई मरीज़ की तीमारदार नहीं करता, करते हैं भाई, और इतनी करते हैं कि बाज़ औक़ात मरीज़ जो है बीमारी से ज़्यादा तीमारदारों से तंग आ जाते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है कि मरीज़ को इर्द गिर्द बैठा हर शख्स मलकुल मौत नज़र आने लगता है। ऐसा ही कुछ अस्पताल में एक मरीज़ के साथ हो रहा है। आइए चल के देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। ओवर टू हॉस्पिटल। डॉक्टर केड़े वेले आवेगा, जीजा टुर जावेगा ते फिर पछतावेगा, लबदा बेटा फिरेगा फिर अबीरा मिट्टी दिया टेरिया। तेरी आवाज बहुत सोनी है, कलाम बहुत बुरा है। मतलब ये वे खुशी वाले गाने गा। जीजा जी, मैं इसलिए तो गा रहा हूँ कि आपका दिल लगा रहे। नाले तू मैंने सुमन शेखर समझे है? और गाने सुनाउंडे और मेरी खबर लेने आए हो या मुझे एडिशन देने आए हो तुम? एडिशन देने नहीं, आपका दिल लगा रहा हूँ कि आप आए। दिल तो तेरे आने से पहले लगा हुआ था। अच्छा, एक नर्स आ रही थी और एक जा रही थी, जब से तुम आए हो सारी नर्सों ने रुख ही बदल दिया। आ जाओ बेगम, बाहर तो मुझे यही लग रही है। अरे परवेश मेरा दोस्त, मेरा बुजुर्ग दोस्त, मेरा बुजुर्ग भाई। क्या हुआ परवेश, क्या हुआ? कैसे भाई साहब? भाभी जी कैसी आप? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ परवेश, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे दोस्त को क्या हुआ? बैठे बैठे बेगम बैठे, बस हल्का सा बुखार चढ़ा था। ओए भाई साहब, आपको क्या बताऊं मैं, जब से इन्होंने सुना ना कि आप बेहोश हो गए, इनसे तो कुछ खाया भी नहीं गया। ये हुई ना बीरू और केले की दोस्ती। नहीं, वैसे हुआ क्या मेरे दोस्त को, प्रवेश को? हल्का सा बुखार हुआ था, उसको इजी ले लिया, टाइफाइड में बदल गया। बुखार की तरक्की हो गई। शुक्र है कोई खतरनाक बीमारी नहीं हुई। सब लोग इजी ले लेते हैं, मैंने भी कहा कोई नहीं उतर जाएगा जी। अक्सर बिगड़ गया, टाइफाइड बन गया, साहब बुखार है तो बिगड़ गया, पेट बुखार है तो बिगड़ गया। खबरदार, तुमने आइंदा मुझे छोड़ के जाने की बात की तो। ये बात मैंने कब की? मैंने तो ये बात की नहीं। नहीं भाई साहब, आपको पता नहीं, दुबैल आपका ना बड़ा करते हैं। आप ही इनका बहुत करती हैं। बस भाई साहब, बुखार को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। बस अंदाजा हो गया जी इस बात का। वैसे हुआ क्या था? आपने नाश्ता किया है, नाश्ते के साथ फिर एक गोली खा ली है, कब बुखार उतर जाएगा? वो नहीं उतरा, पड़ता गया। वही अंकल बशीर वाली बात। अंकल बशीर, इनको क्या हुआ था जी? ये इनके अंकल है ना जी, उनको क्या हुआ था? उनको बुखार हुआ था, उन्होंने केयर नहीं की, फौत हो गए। इसका मतलब है कि अंकल बशीर बशीर हो गए। अरे छोटी सारी बातें, वो मामू हमीद याद है ना आपको? नहीं, उनको नहीं याद, वो खा रहे हैं। नहीं, इतना तो मुझे याद है। चेक करो मामू हमीद मिठा है। वही आपके मामू जो तीन दिन दुबई रह के वापस आ गए थे। अरे मामू दे बीज ना सुटी हो तो के काम आते होंगे। उनको भी बुखार चढ़ा। अच्छा, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, उन्होंने एक गोली खा ली खाना खाने के बाद, सोने के बाद। शुक्र है शुक्र है, दुबई से वापस आ गए। सुबह जब उठे हैं तो फौत हो गए थे। उन्होंने हमीद नाल शरीफ नु भी चुक लिया जी, देखो कोई ऐसा वाक्य कोई रिश्तेदार बचा भी हो। मैं सोच रहा हूँ एक आधा बचा था। अरे जावेद भाई याद है ना आपको? हाँ, जरा सेबा ने ट्रक थले आके मरे। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने तो सुना, यकीन करे मेरे सुनते ही दम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने सोचा कि यार हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए, उधर वरानी पड़ी हुई है मोहल्ले में। और सुनाएं कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक अंकल जी, आप सुनाएं, सब ठीक है ना घर में? हुआ क्या था घर में? तो सब ठीक ठाक है बस अंकल जी, क्या बताओ, बुखार हुआ था हल्का सा, केयर नहीं की तो घर ही खुद ही देसी इलाज जैसे होते वो करता रहा हूं। देखो बेटा, बुखार को इजी नहीं लेना चाहिए, आपको चाहिए था उसी वक्त डॉक्टर से मशवरा करते ना किसी ना किसी। डॉक्टर क्या मशवरा करता जी, डॉक्टर खा रहे थे। देखो अपना प्रवेश बेटा जी, आपकी आंखें भी कुछ पीली पीली सी नजर आ रही है मुझे, बीमारी की वजह से हुई। एक मिनट जी, एक मिनट। ओ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह जन्न नसीब करे, मेरी सास थी जी, वो भी उससे भी टाइफाइड ही हुआ था और साथ साथ उससे काला यरकान हो गया। फिर नहीं, नहीं खाते रहे और साथ में बातें ना कोई खुशी खुशी की भी करते रहे। खुशी की बात ये है कि फिर वो खाल के हकीकी से जा मिली है। हाँ बाकी अपने बंदे को तो कम मिलती थी, खाल के हकीकी से बहुत जल्दी जा मिली। आप ऐसा करें, आप खाते रहे बातें ना करें। मेरा सांडू था तो कनक की कटाई का टाइम आ गया, वो कटाई करते दो दिन के लिए गया कटाई करने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, राम से खा लो, अभी कौन सा वो छुट्टी पे जा रहा है। आठ दस दिन में इधर ही आराम से खाए आप। आपका भी खानदान ऐसे मर रहा है जैसे सेल लगी हुई है, आपका तो अपना कब्रस्तान हो गया है। इससे तो टाइफाइड हो गया जी, क्या कहते फिर वो भी दुनिया से चला गया। चाचा तो मेरी बात सुने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाचा जी तुसी ते फ्रूट इंज पैक करन दे जिवें जीजा जी दे कोलां ते आए हो तुसी। ओ यार कोई खैर की खबर भी सुनाओ, बात सुनो। आपकी चाची की बातें छोड़ के कोई और बातें करें। आपकी चाची की कसम, जिंदगी में पहली बार फिक्का खरबूजा निकला है, ये सब निशानियां जाने वाली हैं। जाने वाली है चाचा जी, तुसी भी जान वाले हो, तुहाडे ते हुण पग भी इशारा करन दी के उत्ते नूं चलो। कुछ नहीं हुंदा, घबराना नहीं। यार आ गया बिलू, राकेट आ गया, कुछ नहीं होएगा। ये रख दो राकेट। खैर जा, बड़ी मेहनत ना बनवा आगे लिया, मेहनत खाना लिया, खाना तो रखे रखे। पहले तो मुंह साफ कर ला, थोड़े इकट्ठे ही करेंगे। साडा यार बीमार होवे होया की है। ये यार होते हैं जो कुछ लेके तो आए हैं। बस बुखार हुआ था, अल्लाह का शुक्र है भाई, बुखार गुर्दियां ते नहीं पै गया। रहमत नहीं अपना बर्फ वाला, ओदा बुखार गुर्दियां ते पै गया, उसे फटे ते ही मर गया, सारी बर्फ होली नानी पई। ए नाले टाइफाइड बुखार जेड़ा हुंदा कुछ ना कुछ लैके ही जांदा जे, अख लै जांदा, बाह लै जांदा, लत लै जांदा। ओ मेरा दिल घबराने लग गया। गल्लां सुन, छोटे छोटे आप खाए जी, खाए रहने को छोड़े, ऐसे ही कहते थे खाए खाए। मेरा एक दोस्त था क्लास फेलो था मेरा, मैं उसको खबर लेने क्या कहता, खाए खाए, उससे भी टाइफाइड ही हुआ था। बस तीसरी मर्तबा कहा खाए तो पीछे ही जा गिरा। नहीं ऐसी बातें ना करो, ऐसे वाकयात में मेरा दिल घबराने लग जाता है। मेरे लिए देसी घी दो सालों रखो, इतने मैं खावा। ठीक हो जाना। और मेरा दोस्त भी ऐसे ही, उसको बुखार चढ़ा था, वो भी मर गया था। आप दोस्त की बात करते हैं, ये मरीज को दबाने वाले लोगों को भी वायरस चला जाता है, वो भी फौत हो सकते हैं। आपका वो मर गया, आपका वो मर गया, आपका वो मर गया, आपका भी कोई गुजर गया, तुम रह गए थे, तुम्हारा दोस्त भी मर गया। ये नहीं आपने सुना, एक हॉस्पिटल में एक मरीज की खबर लेने आए, पांच के पांच ही हक हो गए। किसी ने खरबूजा खाया था, किसी ने केला खाया था, और एक के हाथ में तो टिफिन था, हाथ में लेके ही फौत हो गया वो। चलो उठो अपने अपने घर में, भागो यहाँ से, और मेरा दिल घबराना शुरू हो गया। निकले हौसला भाई साहब, जीजा जी हौसला, बुखार बिगड़ गया, मेरा बुखार बिगड़ गया। मैंने ख्वाब के देखा कि मैं जूतियों की दुकान में खड़ा अपने लिए जूती पसंद कर रहा हूँ, अगले दिन ही साइकिल चोरी के केस फड़िया गया। ये तो मैंने आप किसी डरावने ख्वाब की तबीर लग रही थी। हाय हाय, रात को मैंने भी एक ख्वाब देखा। बस एक ही देखा? आपने दूसरे में आना था।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। नाजरीन, ख्वाबों की दुनिया भी एक अजीब दुनिया होती है जिसका कोई जाहिरी वजूद तो नहीं होता, लेकिन इंसान इसमें रहना पसंद करता है। ख्वाब हसीन भी होते हैं, नाखुशगवार भी और भयानक भी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो ख्वाबों को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। इतना संजीदगी से कि अगर ख्वाब खुशगवार हो तो उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, लेकिन अगर ख्वाब नाखुशगवार हो तो पूरा दिन उसी ख्वाब को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। जी बरार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ख्वाबों को की डरे। इंसान के जैसे हालात हो उसी तरह के उसको ख्वाब आते हैं भाई जान। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है चिड़ी वाला भाई। इंसान खुशहाल हो तो उसको ख्वाब वाला कौन से आते हैं? मर्सिडीज ले ली, नया प्लाजा बना लिया, आए हाय, कभी पेरिस में बंदा परफ्यूम खरीद रहा होता है, कभी इंग्लिश क्लब में मौजे मान रहा होता है, कोई पूछने वाले नहीं होता। जी इब्रार भाई, अमीर बंदे को ख्वाब भी आए तो ख्वाब में भी उसको तोहफा मिलता है, चार्टर तैयारे का। ये ख्वाब कहीं जहांगीर तरीन साहब के किसी दोस्त का सुना रहे हो ना? मैं वैसे ही तफननन बात कर रहा। गरीब बंदे को जब भी ख्वाब आएगा, छोटा मुंडा पौड़ियां जो डेपे है, बड़े ने हजे डिगना है। फूफी आई से उन्हें पता नहीं महीना रहना के 6 महीने रहना, फूफी ने इतने रहना तो असी कितने रहना। बड़ा मुंडा डकैती के केस के अंदर हो गया है, टब्बर रेड़े थले आ गया। यह बंदा थड़ी से बैठा हों की होया, इधरों रोना आया, सिर च वजा पता ही नहीं चलिया। यह ख्वाब च नहीं, सची आया हों। अकरम भाई ने ख्वाब देखा, अपनी बकरी 70,000 की वेच रहा। वो माई कहती पुत्र 50,000 ले ला। कहता नहीं मां, मैं 70 ही लेना है। इन्नी देर चक खुल गई ना उथे माई ना बकरी। फिर अखा दे हाथ रख के कहना माई लिया 50 ही दे। अच्छा यार, इसमें कोई शक नहीं कि आप सारा दिन जिन ख्यालात में या जिस माहौल में रहते हैं, आपके ख्वाब भी उसी से मुतसिल होते हैं। ख्वाब के हवाले से जो हकीकत तस्लीम की जाती है, ये वही है कि जो बातें गैर दानिस्ता तौर पर हमारे लाशऊर में मौजूद होती हैं, वही ख्वाब बनकर हमारे सामने आती हैं। और हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में मुस्तकिल मुसलसल ख्वाब देखता रहता है। 3-4 साल की उम्र में ये ख्वाब देखना शुरू होता है, ये अमल जारी रहता है, और फिर ये अमल मुस्तकिल सारी जिंदगी उसके साथ जुड़ा रहता है। और सिर्फ इंसान जब खराटे ले रहा होता है उस वक्त वो ख्वाब नहीं देख रहा होता, इसके अलावा लाजिम है कि वो ख्वाब देखता है। आमतौर पे ख्याल ये किया जाता है कि जो बंदा ख्वाब में देखता है हकीकत में उसके बरक्स होता है। हाँ, ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अगर आपने ख्वाब में अपने आप को मरते हुए देख लिया है तो बड़े बूढ़े कहेंगे कि आपकी जिंदगी लंबी हो गई है, इस तरह की बातें। मैंने ख्वाब देखा कि मैंने देखा ख्वाब में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अजय मैं सुता है तो मुंडे ने आगे उठाया, कहता अब्बा जी मीटर फिर कटिया गया। एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि गुलफाम भाई के नाक में रुई है। आप मैं समझे कर ख्वाब में देखा कि गुलफाम साहब के नाक में रुई है, उठ के देखा तो मेरा हाथ रजाई च बड़े रजाई पार्टी। नहीं, ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है। ये मुझे सखावत साहब का रात को ख्वाब आया जी। अच्छा। कि ये एक ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं। अच्छा। और वहां से गिर गए। जब मैं सुबह उठा हूँ तो ये मेरी नजर से गिर चुके थे। रात को मैंने भी एक ख्वाब देखा, बस एक ही देखा। आपने दूसरे में आना था। अच्छा भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाबों के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करने में जिंदगी गुजार देते हैं। और यही लोग कामयाब लोग होते हैं। होते हैं जी, बिल्कुल। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि किसी ने ख्वाब देखा और फिर वो ख्वाब जो बज़ाहिर नामुमकिन था वो मुमकिन में तब्दील हुआ। और उसकी बेहतरीन मिसाल हमारा अपने अजीज पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अच्छा जी, बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनका हर ख्वाब पूरा होता है। आज हमने भी एक ऐसे खुशनसीब को दावत दी है, देखते हैं कि उनके कौन कौन से ख्वाब पूरे हुए हैं। जी सलीम सुफना साहब, तशरीफ लाइए। सलीम सुफना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। क्या और कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं, ठीक है जी। आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं। सलीम सुफना साहब ने जनाब, हाँ, कोर्ट ते इंज पाया जिवें नावल दा डाकू। खुशहाल खुशहाल, तेरे ख्वाब पूरे होए, तू कड दंद मुछा तो तू गन्ना छिलन वाली रखियां ने ख्वाब च रखियां सी। इमरान भाई जी, जी कल मैं ख्वाब च देखा तुहाडे शो दे विच 3 बंदे छोटे गोश्त तो लड़ लड़ के मारी गए। आज के बाद गोश्त नहीं खाना, ये ख्वाब सच्चे होंदे ही। गोश्त तो लड़ के मार गए, चलो अगर मतलब वजह अच्छी हो तो मौत का कोई गम नहीं। आए, आए, जी आए,
शहीदे मटन कुत्ते का गोश्त खा के जीन नालों चंगा के बंदा मटन तो लड़के मर जाए। बहुत अच्छा अक्रम, इसको कहते हैं हुब्बुल मटनी। ये किन्ने को खा पूरे हुए होने के लिए मुच्छा दुआ करनी है या लाइनू ते चोकला। ये तो मैंने आप किसे डरावने ख्वाब की तबीर लग रही थी। ऐदा ख्वाब की पुराना मनीर राज दा कोट पाई फिरदा। अच्छा यार एक मिनट, आप ये बताएं आपका हर ख्वाब पूरा होता है? जी। अच्छा तो कैसे, पहला ख्वाब कब पूरा हुआ आपका? पांचवी जमात में जनाब। क्या ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब में कैंची देखी और सुबह स्कूल से नाम ही कट गया। उस तरह वेख लेने तुहाडे वाल भी कटे जांदे। यानी कैंची वेख के नाम नहीं कटे गए, मां प्यो दी नाकी कटी गई। की मां प्यो दे ख्वाबां ते कैंची फेरी जे? मां प्यो दे ख्वाब तो पूरे कीते हुंदे ते हुण नूं किसे काम ते लगा हुंदा। अच्छा यार आपके तो मुकम्मल ख्वाब सुनने के लिए भी 150-200 घंटे का प्रोग्राम दरकार है। आप खुद ही आपने कुछ अहम ख्वाबों की ताबीर के बारे में बता दें। एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते मतलब? मोहब्बत। अच्छा। वो हमारे सहन में खड़ी है। अच्छा। आंख खुली तो साढ़े का रलामा लेके आई सी। लड़की का में ऐसे शितर शुतर नहीं पाए। वो एक और ख्वाब था। वो हुआ दरअसल ये कि मैं एक मरतबा मैंने ख्वाब के देखा कि मैं जूतियों की दुकान में खड़ा अपने लिए जूती पसंद कर रहा हूँ। अच्छा। क्या कहने, चेक कर। अगले दिन ही साइकिल चोरी के केस फड़ा गया। फिर वही जूतियों के डिजाइन आपके पिंडे पे पड़े थे। ये ख्वाब कोई नहीं देखता, नशा करके चीजें देख रहा होता है। यार आपको इतने ज्यादा ख्वाब आते हैं, आप अपने ख्वाबों पे एक किताब क्यों नहीं लिखते? छोड़े इस बात को, आप बताए कोई अच्छा ख्वाब भी कभी देखा आपने? हाँ जी देखा जी। चलो शुक्र है, क्या था? एक मरतबा मैंने कपड़ा एक पड़ा हुआ देखा ख्वाब में, उसके ऊपर जेवर और नकदी पैसे पड़े हुए थे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर की अगले दिन घर की डकैती हो गई। यार कोई अच्छा ख्वाब बताओ ना, कोई अच्छा ख्वाब देखा हो तो। हाँ जी ये अच्छा ख्वाब अभी सुन ले जनाब। हाँ। लो जी मैंने सुना था पानी वाला ख्वाब बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे। पानी वाला कीमा सुनया सी, पानी वाला दुध सुनया सी, पानी वाला डांस सुनया सी। ख्वाब पहली बारी सुन रहे हैं। पानी वाला ख्वाब पहली वाली सुनया, पानी वाला पिस्तौल तो सुनया सी। यार सुनो तो सही, मैंने देखा क्या ख्वाब में। जी जी। मैं मेरी यानी इर्द गिर्द सजे खबे अगे पीछे पानी 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 पानी, और मैं पानी में तैरता जा रहा। तो फिर क्या, अगले दिन सारा टबर सलाब ची लौट गया। ओए कोई अच्छा ख्वाब सुनाना है या मैं बुलाऊं किसी सिक्योरिटी वाले को? नहीं 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 बराबर भाई, अच्छा ख्वाब सुन ले। एक इतना अच्छा ख्वाब मैं कई दिन देखता रहा। अच्छा वो क्या था? एक हसीना खूब रू हसीना मुझे रोजाना लूट के चली जाती है। अच्छा। बस फिर कुछ दिन बाद मेरा ब्याह हो गया। और बात सुनो, कभी ऐसा हुआ तुमने तबीर पहले देखी हो ख्वाब बाद में देखा हो? नहीं ऐसा तो। अभी दिखाते हैं। और सिक्योरिटी उठाओ इसको जरा, लगाओ पट्टा। मैं खुद ही जाता हूं। और रात वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ही खैर मौला खुश रखे नूरी नत ते वेख लो वर्ग साहब जी चाह लिया वाला छोटा हुंदा माशाल्लाह किन्ना लगौर करो लगदा ती समुंदरी पड़दी प्यो पुत्र चढ़ाउण आए ने फाइनल करो दोवां चो प्यो केड़ा ते पुत्र केड़ा है हुण आप ही फाइनल कर लो मैं भांडा नादरा च नहीं लगा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। नाजरीन ख्वाब की ताबीर का तजस्सुस तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। हर कोई अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहता है किसी सिचुएशन पे। क्या खूबसूरत शेर अहमद फराज साहब ने कहा कि मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। जी टीम बी, बताने वाला, बताने वाला अलफ। जी टीम बी,
अले तरी ख्वाब के हवाले से एक शेर मैं आपकी नजर कर सकता हूँ। कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे, अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे, और दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है। दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है। दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है, रोज पलकों से कोई ख्वाब चुरा ले मेरे। अच्छा यार, हमारे साथ भी आज मौजूद है यहाँ पे एक ड्रीम एक्सपर्ट, और उनकी बताई हुई ताबीर कभी भी गलत नहीं होती। जरा उनसे भी बात करते हैं। जी जनाब, आपका इसमें ग्रामी क्या? आप अजीब बात कर रहे हैं। कभी आप सोए नहीं, कभी आपको ख्वाब नहीं आते? अरे पूरा जमाना जानता है सिकंदर तबीरा वाला। तो आप तबीरें बताते हैं ख्वाब की? जी बिल्कुल बिल्कुल बताते। तो ये इल्म आपने कहां से सीखा? ये कोई कुकिंग नहीं जिसकी बुक आप जाके मार्केट से ले आए, इसके लिए रियाजत करनी पड़ती है, ये एक तपस्या है। अच्छा, आप तपस्या की बात कर रहे थे ना कि इसमें बड़ी करनी पड़ती है रियाजत, तो क्या आपने भी तपस्या की? जी हाँ, अपने मुर्शद के हुक्म के मुताबिक 9 साल सोया रहा हूँ। 9 साल जहाँ साहब, 9 साल बड़ी गलत है। मुर्शद लोगों को कहता रहा है बंदे ने मैं मार देता, 9 साल बाद उठ जाएगा। यार आपके मुर्शद का नाम नून मीन राशिद तो नहीं था? जी नहीं, मेरे मुर्शद का नाम कैम अली शाह है। बात में सोनिया, उन्होंने अपने तजर्बे के हिसाब से तेनू थोड़ा सुहाया। सही गल है, क्योंकि उन्होंने तो 85 साल सौन की तपस्या की थी। और जो 85 साल सौ के उठे ने तो उन्होंने सज्जी पस्सिया ना तपस्या हुई। आप ये बताएं, आपके साथ ये कौन साहब है? ये मेरा क्लाइंट है और इसका नाम सफदर वहमी है। कई साल से मेरे पास ही अपने ख्वाबों की तबीर पूछने आता है। ओ अबरार भाई, आपने पहचाना नहीं इनको? नहीं। ए हारन रशीद साहब दे नाल तबला बजांदे ने। उन्हां दे कॉलमां ते ठेका लांदे ने। मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे दफ्तर आके मेरी टेबल बजाता था। मैं कहे अंकल जी, हेलो चाचा जी, हेलो भाई जान, आपने रात लगाई हुई, इतनी नींद आई है? बैठे लोगों के पास बैठे हैं। यार क्या कर रहे हो? मैंने रात को ख्वाब देखा, आधा देखा था, आधा अब देख रहा था, फिर खा दिया। वो तो रात ही पूरा क्यों नहीं देखे? बारिश आ गई, छत से सुता। बारिश तो साफ दी सी, सारे वाल ही लगे गए ने। छत के ख्वाब खुले डुले होंगे ने, पता नहीं केड़ा आंदा केड़ा जांदा है। अच्छा तो ये बताओ कि रात को कौन सा ख्वाब देखा आपने? आज रात मैंने ख्वाब जो देखा उसकी तबीर आपने बतानी जरूर है मुझे। आप बताएं। मैंने देखा क्या है कि मेरी बेगम का वो जहेज वाला सदूक जो था ना, वो मैंने खोला, उसमें से पैसे निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा, पैसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। होए 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 होए, क्या हुआ? इसकी तबीर तो बहुत भयानक है। क्या मतलब? छोड़े, दफा करें, बिल्कुल मसला खराब हो जाएगा, आप कहीं जोगे नहीं रहेंगे। नहीं नहीं बताए तो सही, हुआ क्या? देखे, आपका मसला बहुत खराब हो जाएगा, इस ख्वाब को ऐसे ही बंद कर दे। जब मैं जो कह रहा हूँ कि आप बताएं तो आप बताएं। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। सुनो, इस ख्वाब की ताबीर है कि आपकी बेगम के सदूक में काफी सारे खत और काफी सारे तोहफे पड़े हुए हैं। मुझे पहले ही शक था, मैं भी जाके इसे पूछ लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखे गुस्सा ये फितरी अमल है, लेकिन आप अपने गुस्से पे काबू पाइए। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि उसके सदूक में खत है, गुस्सा इस बात का है कि मोबाइल का दौर है, वो बंदा कितना गरीब होगा जो अभी तक खत डाल। वो बंदा गरीब नहीं है, भरजाई की उम्र ज्यादा है, खत पुराने हैं। चलो ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन इसके बावजूद मैं एक सीरियस बात यहाँ जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये अरब न्यूज की एक रिपोर्ट है। मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा ख्वाबों की ताबीर जानने का शौक सऊदी अरब के लोगों को है। अच्छा, अब वहां पर सबसे ज्यादा तलाक की जो वजह बनती है वो ऐसे ही ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोग हैं, कि जो ख्वाब की ताबीर अक्सर ये बता देते हैं कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें धोखा दे रहा है। अब वो इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ बाबों की बातों पर यकीन कर लिया जाता है, ताबीज करने वालों की बातों पर यकीन कर लिया जाता है, इसी तरह अरब की दुनिया में जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले हैं उनकी बात को बहुत मुस्तनद और मोतबर माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी बात वाकई बड़ी तशवीशनाक है। क्यों भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के घर उजाड़ते हुए ऐसी बातें बता के? क्यों भाई, तू सारे लाहौर के तोते रगड़ के सूट बना लिया है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा घर लाहौर में है, जद्दे में नहीं, जो मैंने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं, नहीं किया। तुम यहाँ पे कोशिश तो कर रहे हो ना अपने तौर पे? ये घर बर्बाद नहीं कर रहा, उनको बता रहा हूँ, हकायक बता रहा हूँ उनको। पहले ही हकायक दस दस के बेचारे आधा सिर कर सुटे। ताबीर वाले साहब, हद हो गई आपकी, भाई कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मेरी भी तो सुन लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्लाइंट देख रहा था, अब आप बताइए आपको कौन सा ख्वाब आया? वो क्या है ताबीर वाले साहब, मैं बचपन से एक ही ख्वाब देख रही हूँ कि एक शहजादा घोड़े पर बैठकर आता है और मुझे ले जाता है। अच्छा, ये ख्वाब आपने अपने शौहर को सुनाया? कैसी बातें कर रहे हैं आप,
मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। क्या अभी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि शादियां का सीजन लग गया। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो जो आपके ख्वाब में शहजादा आता है घोड़े पे बैठ के, उसकी आप शक्ल जानती हैं? नहीं। मैं ही तो हूँ जो आपके ख्वाब में आता है घोड़ा। तो एक शहजादा घोड़े पे आता है आपके ख्वाब में? जी जी, घोड़े पे बैठ के आता है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो कोई शहजादा नहीं, वो कोचवान है। कैसी बातें कह रहे हैं आप? मैं आपको क्या बताऊं, मेरी फूफू की तरफ से रिश्ता आया, उनका बेटा यूके में जॉब करता है। मेरे खाला का रिश्ता आया, उसके बेटे का दुबई में बिजनेस है। मेरे मामू की तरफ से रिश्ता आया, उनका बेटे का बहुत बड़ा शोरूम है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मैंने कितने रिश्तों को धुतकारा है। अच्छा किया है, सारे निकाल दिए ना। हाँ। अब गिट के आगे रख के ना उन्होंने पढ़ पढ़ के तो मुंडे गिनी जो उन्होंने। आप गिनती कर करके तो शहजादे ने बख्शवाई जा मेरी भैन। जी जी जी, आप कौन? ओए मैं नच मारा ते डकार ना मारा। ये बदमाशी नहीं है, मासूमियत है। और वैसे भी ये बीमारी एक चीज आंदी एक नहीं आंदी तो। नहीं लेकिन जेड़ी निचदा ते पता नहीं जेड़ा डकार नहीं मारदा ना कोई सियासतदान ही लगदा। शुक्र करो मैं हस के गल कीती, ये मथे ते तरला पा के गल करदा ते तुसी नूरी नत नु 150 अल्ला दी रात जरूर देना सी। 150 ए नूरी ते टके दा भी नहीं लगदा मेनू। ओहो हेलो भाई, कौन है आप? ओ मेनू ही पूछ लिया, कौन है तू? मेनू ही पूछ लिया। किनू? लेटर बॉक्स नु पूछा? मेनू ते मेरे घर वाले नहीं पूछदे, रोटी नहीं पूछदे। रोटी ते मंग मुंग के मैं खा लेना सोनिया, सालन दा नहीं पूछदे। ओहो तुम हो कौन, उधर लेने के लिए क्या आए हो भाई? नूरी नत दे घर फ्रिज कोई नहीं, दो बर्फ दे कौले लेन आया। दो नहीं है के पाजी, ओ सेंटर च इक पिया है, लै जो। मैं बदमाशा साहब ते अपने ख्वाब दी ताबीर पूछन आया। वाह वाह, बदमाशा नु भी ख्वाब आंदे ने ते होर की बदमाशा दी अखां पत्थर दी होंदियां ने। चल बैठ जा। हाँ जी बताएं, क्या ख्वाब आया आपको? मेरा तो एक ही ख्वाब है सोनिया, कि पुलसां मेरे पीछे लगियां होन। अच्छा। मेरे इश्तियार लगे होन, मेरियां फोटवां लगियां होन, ते उन्हां दे थल्ले लिखिया होवे वांटेड। वैसे तस्वीर ते वांटेड दी बजाय फिटे मु कैसा अच्छा लगेगा। सिर्फ तस्वीर ते नहीं, बराहे रास्त भी यही ठीक लगे। मैं ते इन्ने कतल कीते ने कि पुलिस ने अज तक मेनू गिरफ्तार नहीं कीता, हुण ते मेरे प्यो दी रूह भी मेरे ते लानता पांदी होएगी। वैसे वो तो बनती भी है। ओ मरे तेरा पुलिस मुकाबला चमोटे नाल हुंदा रे, जिते बंदा कहंदा डर लाही खैर मौला खुश रगे पाल लगे। नूरी नत ते वेख लो, वर्कशॉप च चाह लियाउण वाला छोटा हुंदा पाल लगे रे। नूरी नत ते देख लवो, सियाणे चौधरी दा पागल पुत्र हुंदा। नूरी नत वेख लो, मुछा भिज जाण ते मुंह भर जा पैंदा। नूरी नत दियां मुछां ते देख लो, लगदा नाले ते बन लाया। माशाल्लाह तिन्ना लगौर करो, लगदा ती समुंदरी पड़दी प्यो पुत्र चढ़ाउण आए ने। फाइनल कर लो, मैं भांडा नादरा च नहीं लगा। डॉक्टर साहब देख लो, जिवें बंद बैंक दे मैनेजर हुंदे ने। बंद बैंक दे? हाँ जी हाँ। यार ये क्या फजूल बात की तुमने, बंद बैंक और डॉक्टर साहब बेचारे फौरन यू हो गए ना, अच्छी खासी स्माइल थी। साडी को होस्ट देख लो, फ्लैक्स टंगन वाली सोटी हुंदी है। पागल करन जीओ पे, सुभान अल्लाह साडा होस्ट देख लो, एहो जे बंदे फिल्म च साल गिरा ते केक ते जरूर डिगदे ने। पागल करन जीओ पे, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह सारे पासे देख लिया है, हुण नूरी नूं फेर देख लो, अखां खराब करनियां ने। जीओ पे जीओ पे, साडे डॉक्टर साहब देखो माशाल्लाह, वाह डॉक्टर ने जिहड़ी अपनी दवाई लैण गए हुंदे ने। नूरी भैन आजो, सानू काम नहीं आ रहा। काती नूं दराजियां, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझ माही याद आता है, मुझ माही है।
ब्रेक से वापसी पे आपको कहते हैं खुशामदीद नाजरीन। तो ताबीर वाले साहब, आपके इल्म के मुताबिक इसके ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? ख्वाब तो इसने बड़ा अजीब देखा है, पुलिस मुकाबला और फिर एंड पे पुलिस पकड़ के लेगी। जनाब, इनके ख्वाब की ताबीर के मुतल्लिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका अपना कोई पुलिस मुकाबला नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अलबत्ता किसी और बदमाश के पुलिस मुकाबले में ये बिला वजह मारे जा सकते हैं। अच्छा। और जो दूसरी हथकड़ी पहनाने वाली बात है, उसका इशारा इनकी शादी की तरफ जाता है। झूठा है जमाने का तू सोनिया, झूठा है। ओ, क्यों जी? शादी तो हो गई है सोनिया, सही नहीं हुई। मेरी शादी सही नहीं हुई सोनिया, मैं कि निकाहनामे दी थां राजीनामे ते सैन कीते। उसकी शादी सही नहीं हुई, उनकी शेरवानी पार्टी पाई सी। सही की नहीं हुई, वो की कबूल कबूल दी जगह ते कबाले जुर्म कर आया है। वेख्या ही बाजियां वाले ने सबूत दिता। बस ये साबित हो गया कि जैसे ये ताबीरें बताने वाला झूठा है ना, वैसे ये बदमाश भी झूठा है। यानी कि आपने हमारे इलम पे शक किया है? जी जी, मेरी बदमाशी से भी शक किया? बिल्कुल शक किया। आप लोग दोनों आप खामोश हो, हम चलते हैं रूबा के पास। रूबा, ख्वाबों की दुनिया के बारे में आप क्या कहती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अभी ख्वाबों का जिक्र हो रहा है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ख्वाबों से रिलेटेड ही है। कि आपको सुन के हैरत होगी, दुनिया में 12% अफराद ब्लैक एंड व्हाइट ख्वाब देखते हैं। ओ, चिड़ी बेचारी की करे, तो ठंडा पानी पी मरे। यानी इब्रार भाई, ख्वाबों की दुनिया हमसे 30 साल पीछे है। 30 साल पीछे है। ओ यार, रंगीन ख्वाब देखने नाल अखा खराब हो जांदियां ने भाई। बंदा दूर खलो के ख्वाब देख ले। तुहाडा मतलब है अखा कड़ के बंदा परछत्ती ते रख देवे? इस तरह तो एक ख्वाब दो बंदियां नु आ जाएगा सोनिया। सुबह उठ के दोवे लड़ रहे होंगे, मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है। बंदा एक दूजे ने कहना अपना ख्वाब अपने। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम जानवर भी ख्वाब देखते हैं सिवाय मछली के। अच्छा, ये मछली ख्वाब क्यों नहीं देखती? भाईजान, उसका ख्वाब गीला हो जाता है, पानी में होता ना, मछली बेचारी आंख ही नहीं बंद करती, तो ख्वाब कैसे देख लेना उसने। हाँ, नाले पानी दे विच अगर ख्वाब देखे तो ख्वाब धुंधला धुंधला ही होता होगा। मेरा ख्याल है कि पहली बार भी यह गल किसी मछली ने की होनी है, तू तो मेरी ख्वाबा से पानी फेर दिता। पहली बार भी मछली ने की है, तो हूं भी मेरा ख्याल है मछली ने की है। समुद्र च होंगे ना, इन्हें तो मच्छियों भी तलाके करानी सन। जी रूबा, और क्या है आपके पास? अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। आपने बहुत से जानवरों की लड़ाइयाँ तो देखी होंगी, लेकिन जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ वो लड़ाई शायद ही आपने कभी देखी हो। बिल्ली और बंदर, मेरा ख्याल है कि बिल्ली नू कॉलेज जांदियां ने छेड़िया तां लड़ रहे ने। तैनू किन्नी वारी किहा बच्चियां नू आप छड्ड के आया कर स्कूल। ओ नहीं नहीं सुनिया, ये टीवी दे रिमोट तो लड़न डए ने। ओ केड़ा मियां बीवी ने? हो सकदा बांदरी ने कोई धूम 3 वेखनी हो। मेरा ख्याल है बिल्ली ने स्टार प्लस वेखना है। आजिम, ये था आज का दर्जा शरारत, जिसका वक्त आज खत्म होता है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले एक खूबसूरत बात कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआओं पर भरोसा कर लेना हमाकत, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआओं से गुरेज करना तकब्बुर है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए, और मेहनत करने की और दुआ करने की भी तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अपने इस गाने पे खत्म करते हैं, आ जाइए। जैसे नर्म रसीले होठों पे कोई नगमा प्यार जगाता है, जैसे नर्म रसीले होठों पे कोई नगमा प्यार जगाता है, फूलों से छूकर एक थमरा कोई मीठा बोल सुनाता है, दूर कहीं किसी जंगल में कोई पंछी गुनगुनाता है, तो मुझ माही याद आता है, मुझ माही याद आता है।
घर की छत से चांद को देखा करते थे। अपने अपने घर की छत से चांद को देखा करते थे। बड़े बड़े होकर भी दोनों घर वालों से डरते थे, पर एक दूजे पे मरते थे। दिल में भूख सी उठती है, ये सब कुछ ख्वाब सा लगता है, और वही सोना रसता जब मन में आग लगाता है। तो मुझ माही याद आता है, मुझ माही याद आता है। Black from the memory, a rooted sorrow, erase out the threatened troubles of the brain, and with some sweet and oblivious antidote, clean the stuffed bosom of the perilous substance which weighs upon the heart. कैसे कह देती थी एक दिन बिछड़ जाएंगे हम और तुम, कैसे कह देती थी एक दिन बिछड़ जाएंगे हम और तुम। ढूंढ निकालूंगा मैं तुमको जहां भी हो जाओगी गुम, जहां भी हो जाओगी गुम। दुनिया रंग बदलती है और समय भी चाले चलता है, मगर मेरी जीवन गाड़ी का जब जब पहिया चलता है। तो मुझ माही याद आता है, मुझ माही याद आता है। लील गली जो मामा हो लेने छोटी इंज बड़ी जी मैं थाने जो कुत्ते कटदा। गोशी आपके साथ भी कोई किस्तों के हवाले से वाकया पेश आया था? जी जी, किस्तों के चपेड़ा खांदे इन्हें प्रेशर कुकर ले आंदा ते वापस कर आया। क्यों? कहंदा बीवी मेरी जवान है, साला सीटियां मारदा। कुर्ता आपको कैसे बंदे का चाहिए, बुज दिल का या बहादुर का? मेरे पास डांसर का भी है। तो यार डलवा लो ना, मना तेरा साइड बिजनेस भी चल जाए।